अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरी एक सिस्टर ने मुझसे ये सवाल किया है कि मैं तहज्जुद पढ़ती थी और मुझे किसी ने बोला कि कुंवारी लड़कियां जो हैं वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। सो वो सिस्टर कहती हैं कि कुंवारी लड़कियां क्या तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ती हैं? तो देखिए जी, तहज्जुद की नमाज में कुंवारी लड़कियों का कोई रोल नहीं है, ना मैरिड लड़की का, ना किसी बच्चे का। तहज्जुद की नमाज एक इबादत है, जैसे हम बाकी 5 टाइम्स की नमाज अदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग जो हैं वो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह सुबहान व तआला की इबादत करते हैं। तहज्जुद की नमाज जो है वो एक नफली नमाज है, नफली इबादत है, बाकी जो 5 टाइम्स की नमाज है वो हम पर फर्ज है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुंवारी लड़की जो है वो तहज्जुद नहीं पढ़ेगी, बच्चा है अगर तो वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई ओल्ड है तो वो तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेगा। तहज्जुद की नमाज हर इंसान जो है वो पढ़ सकता है, हर उम्र का इंसान। और तहज्जुद की नमाज से अफजल कोई इबादत नहीं है। तहज्जुद की नमाज में दुआएं कबूल होती हैं, नामुमकिन मुमकिन होता है। और तहज्जुद की नमाज तो ऐसी इबादत है जो अल्लाह सुबहाना वताला से आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती है, आपको जो है वो अल्लाह सुबहाना वताला के बहुत ज़्यादा क्लोज करती है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा कम एज से जो है वो तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट की थी और माशाल्लाह अभी भी रेगुलर है। सो तहज्जुद में ऐसा कोई भी मैटर नहीं है, एज का इन बातों पर फोकस नहीं किया करें। तहज्जुद पढ़ने से जो है वो अल्लाह सुबहान व तआला खुश होते हैं, आपकी नामुमकिन दुआओं को कबूल करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। और तहज्जुद की जो तौफीक है वो उन्हीं लोगों को मिलती है जिनसे अल्लाह सुबहान व तआला बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिनसे अल्लाह सुबहान व तआला बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को ये तौफीक मिलती है कि वो रात को जो है वो तन्हाई में उठ रहे हैं, वुज़ू कर रहे हैं और उसके बाद जो अपनी नींद खराब करके, नींद से बेचैन होकर अपने रब को राजी करने के लिए, अल्लाह सुबहाना व तआला से बातें करने के लिए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सिस्टर आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप किसी की भी बात पर फोकस नहीं करें, तहज्जुद की नमाज जो है वो हर कोई पढ़ सकता है क्योंकि वो एक अल्लाह सुबहाना व तआला की इबादत है। तो आप तहज्जुद की नमाज को जो है वो नहीं छोड़ें, तहज्जुद की नमाज को अपनी ज़िंदगी का जो है मामूल बना लें और रेगुलर तहज्जुद पढ़ें।